नेक्स्ट इट इज टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एनवायरमेंट इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी डेट इज ICT। तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक प्रोप्राइटरी टर्म है, कहने का मतलब है कि बहुत से केसेस में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाली है, यूजफुल टेक्नोलॉजी है, वो लिमिटेड रहती है कुछ एक कंट्रीज तक, कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस तक। इसीलिए जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उसके साथ पॉलिटिकल लीगल इश्यूज भी साथ में रहते हैं। तो गवर्नमेंट को इस तरह के अप्रोप्रिएट पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि जो इनोवेटर्स हैं, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, उन्हें भी प्रोटेक्शन मिल सके। एंड वो प्रोटेक्शन किसके थ्रू मिल सकती है? IPR के थ्रू मिल सकती है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू मिल सकती है। एंड फर्दर गवर्नमेंट को पॉलिसीज को बनाना चाहिए ऐसी जिसके थ्रू फैसिलिटेशन मिल सके उन टेक्नोलॉजीज की ट्रांसफर को लेकर, ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसे ज्यादा तेजी के साथ प्रमोट किया जा सके। फर्दर जो MSMEs की, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की जो कैपेसिटी है इनोवेशन की, वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके एफर्ट्स को अगर हम स्केल करें कि कमर्शियल लेवल तक कितना पहुंचे हैं, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। साथ ही साथ वहां पर MSMEs के केस में पर्टिकुलरली देखें तो कैपिटल की भी कमी है, जिसके कारण वो इनोवेशन को प्रॉपरली नहीं अपना पाते हैं। तो टेक्नोलॉजी का अगर देखें तो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि स्ट्रेटेजी को चेंज करती है, लेकिन जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं इन एंटरप्राइजेस के लिए, उनको भी मैक्सिमाइज करती है। तो MSME के लिए टेक्नोलॉजी का एम क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि वो टेक्नोलॉजी जो लाई जाए MSME में, वो इनोवेशन लेकर आए एंड साथ के साथ बिजनेस को लंबे समय के लिए सस्टेन कर सके। एंड फर्दर टेक्नोलॉजी ऐसी हो जिसे एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ, एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस के साथ इंटीग्रेट किया जा सके, ताकि आप कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को और ज्यादा बढ़ा सके। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द टेक्नोलॉजी चेंज। तो टेक्नोलॉजी चेंज का जो प्रोसेस है वो किसके साथ लिंक्ड है? इनोवेशन के साथ लिंक्ड है। एंड ऐसी इनोवेशन जिसके साथ जो बिहेवियर पैटर्न रहा है फर्म का, उसमें थोड़ा बहुत ही चेंज रहता है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस इनोवेशन। उसे क्या कहते हैं? कंटिन्यूस इनोवेशन कहते हैं। एंड इन्वेंशन जो है वो हो सकता है कि वो बड़े स्तर पर हो, लेकिन उनमें से बहुत ही कम जो इन्वेंशन होती हैं उनका इनोवेशन इफेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कई का इस्तेमाल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में होता है एंड कई का इस्तेमाल डिफ्यूजन इफेक्ट में होता है। तो इन तीनों इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं अभी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ इनोवेशन इफेक्ट। इनोवेशन इफेक्ट का मतलब है ये वो इन्वेंशन हैं जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ऑल्टर कर देती हैं, यानी कि ऐसी इनोवेशन, ऐसी तकनीक जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ऑल्टर कर दे, चेंज कर दे। एंड साथ के साथ जैसे ही प्रोडक्ट ऑल्टर होता है उसके साथ जो कंजम्पशन पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। लाइकवाइज पहले ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन आता था, फिर कलर टेलीविजन आ गया, कलर टेलीविजन के बाद LCD आ गया, LCD के बाद LED आ गया, अब LED में स्मार्ट TV आ गया है, ठीक है। तो बेसिकली इनोवेशन तो हो रही है, लेकिन उस इनोवेशन के कारण क्या हो रहा है? कंजम्पशन पैटर्न भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। या फिर हो सकता है कि कंजम्पशन पैटर्न होने के साथ, कंजम्पशन पैटर्न में चेंज होने के साथ जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें ऑल्टरेशन आई हो, ठीक है। तो इस तरह का जो इफेक्ट रहता है, दैट इज व्हाट, दैट इज इनोवेशन इफेक्ट। एंड फर्दर ऐसी डायनेमिकली कंटिन्यूस इनोवेशन भी रहती है जिनमें कंजम्पशन पैटर्न जो है वो इन्वॉल्व नहीं रहता है, लेकिन जो नया प्रोडक्ट है वो क्रिएट होता है एंड एग्जिस्टिंग वन में ऑल्टरेशन जो है वो होती रहती है। यानी कि जो नया, जो एज इट इज नया प्रोडक्ट नहीं आया, एज इट इज नया प्रोडक्ट नहीं आया, लेकिन जो पहले प्रोडक्ट था उसी में आपने ऑल्टरेशन की है। नेक्स्ट इट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट करना क्या होता है? जब एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट कर लेता है। लाइकवाइज आपने कोई प्रोडक्ट नया इनोवेशन के साथ लॉन्च किया, अब ओवर द टाइम अगर जो मार्केट में शेयर था वो नए प्रोडक्ट ने हासिल कर लिया, यानी कि सब्सटेंशियल शेयर जो था मार्केट का, वो जो एग्जिस्टिंग ओल्डर टेक्नोलॉजी थी वो खत्म हो गई एंड जो नई टेक्नोलॉजी थी उसने पुराने प्रोडक्ट की मार्केट को भी कवर कर लिया, ठीक है। एंड ये जो नई टेक्नोलॉजी रहती है, डेट इज मोर बेटर एंड ज्यादा इकोनॉमिकली वायबल भी रहती है, डेट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो मोस्ट कॉमन एंड सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट वे में जो डिफ्यूजन है वो तब होती है जब इंडिविजुअल जो होते हैं वो अडॉप्शन यूनिट्स होते हैं, इंडिविजुअल्स आर अडॉप्शन यूनिट्स, एंड जो इनोवेशन रहती है डेट इज कंसीडर टू बी एज कंज्यूमर टाइप, उसे कंज्यूमर टाइप कंसीडर किया जाता है। एंड अब ये जो अडॉप्शन यूनिट है, यानी कि जो कस्टमर हैं, किस तरह से इस इनोवेशन को अपनाते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, एक पर्टिकुलर गिवन टाइम के ऊपर जिस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ने इस इनोवेशन को अडॉप्ट किया है, ये आपको मेजर देते हैं किसकी? डिफ्यूजन प्रोसेस की।
डिफ्यूजन प्रोसेस की मेजर देते हैं। तो इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस यानी कि एक दूसरे के इन्फ्लुएंस के चलते हुए, या फिर मास मीडिया यानी कि मे बी हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग या फिर और चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए डिफ्यूजन हुआ है, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने इस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही डिफ्यूजन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इट इज व्हाट इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होता क्या है, इसका मतलब है कि जब आप नई टेक्नोलॉजी को यानी कि जो सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी है या फिर नियर टू स्टेट ऑफ आर टेक्नोलॉजी उसको इंड्यूस करते हैं, उसको लेकर आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कहते हैं। या फिर ये भी कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है डेट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इम्प्रूव्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस, यानी कि जो यूनिट का वर्क इन्वायरमेंट है वो बेहतर हुआ है, जो पैकेजिंग टेक्निक्स है जिनको इंस्टॉल किया गया है वो बेहतर हुई हैं, एंटी पोल्यूशन मेजर्स लिए गए हैं एंड एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स लिए गए हैं डेट आर ऑल्सो कवर्ड अंडर द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो एक तो ये चीज़ होगी कि आप बेहतर टेक्नोलॉजी को लेकर आए, दूसरी चीज़ होगी कि आपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस को इम्प्रूव किया है। देन इट इज CLCS डेट इज क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। तो क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम जो है, दिस वॉज इंट्रोड्यूस ताकि जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है टाइनी एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट्स में वो की जा सके, डेट इज रिलेटेड टू स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स जो स्पेसिफिक सब सेक्टर से रिलेटेड है, तो उस केस में 15% की कैपिटल सब्सिडी जो है वो दी जाती है, जिसके तहत वो नई टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे फॉर द अप्रूवन 45 कैटेगरीज, यानी कि जो अप्रूव्ड कैटेगरीज हैं, स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, स्पेसिफाइड सब सेक्टर्स हैं टाइनी एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट्स के, वहां पर नई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए 15% की कैपिटल सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो एज वी डिस्कस्ड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में एक तो ये चीज है कि आप नई टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं, उसको इंड्यूस कर रहे हैं। सेकंड इज रिगार्डिंग कि आप एनवायरमेंटल कंडीशंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, चाहे जो पैकेजिंग टेक्निक्स हैं उनको इम्प्रूव कर रहे हैं, एज वेल एज एंटी पोल्यूशन मेजर्स को एंड एनर्जी कंजर्वेशन मशीनरी को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो जो अप्रूव्ड यहाँ पर कैटेगरीज के अंडर आते हैं, जो सब सेक्टर में आते हैं या फिर जो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उनको तो असिस्टेंस मिलेगी मिलेगी, साथ में जिन यूनिट्स को जरूरत है रिगार्डिंग जिन्होंने इन हाउस टेस्टिंग के लिए या फिर ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल के लिए फैसिलिटीज को इंट्रोड्यूस किया है वो भी यहाँ पर असिस्टेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, यानी कि जहां पर इन हाउस टेस्टिंग या फिर ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि जहां पर कैपिटल मशीनरी को नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर इन हाउस टेस्टिंग एंड ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल, वो भी यहाँ पर असिस्टेंस के लिए क्या है, क्वालिफाइड है। नेक्स्ट इट इज TEQUP स्कीम डेट इज टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन सपोर्ट टू MSME। तो TEQUP जो स्कीम है डेट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME एंड बहुत सी जो नोडल एजेंसीज हैं उनके थ्रू इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको टेक्नोलॉजी के लिए क्वालिटी अपग्रेडेशन के लिए कैपिटल सब्सिडी उन्हें प्रोवाइड की जा सके। तो इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं ना उन्हें सेंसिटाइज करना है कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जिसे हम कहते हैं EET, यानी कि वो जब मैन्युफैक्चरिंग करती हैं MSEs तो वो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें, ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी एमिशन को कम किया जा सके एंड साथ के साथ जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की उसे भी कम किया जा सके, जिसके थ्रू क्या होगा, एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी एंड फर्दर आप ग्लोबली कंपीट कर पाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग कैपिटल सब्सिडी देने के लिए MSEs को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ MSEs के MSME के द्वारा, जो इंप्लीमेंट की जा रही है नोडल एजेंसीज के द्वारा।